वेलकम बैक टू माय चैनल हल्क अल्टीमेट राइडर। मैं आपको दोस्त राज और अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं जा रहा हूँ और अभी जब से डीपी करके आया हूँ कोचिंग नहीं, गुड्स में चल रहा हूँ। बीच में कुछ दिन कोचिंग में चलाया था, अभी फिर गुड्स में चला रहा है। आज टीओ मिला है गुड्स में, तो जाना है खड़गपुर की ओर। और आज जो है वो ड्यूटी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट मतलब कि ऐसे तो नेचुरली होता क्या है, अब स्टेशन में गाड़ी आता है या यार्ड में होता है गाड़ी, सीधा आप चार्ज लो और निकल पड़ो। तो इसमें एक ड्यूटी ये भी होता है कि आपको पावर जो है सेट से नहीं लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली आप लोग को, जैसे हम लोगों को ऑन ड्यूटी करने का जो मौका देता है वो आपका टीओ डिपार्चर टाइम से मतलब आधा घंटा पहले। इसे जब सेट से पावर लेना रहता है तो 45 मिनट पहले ऑन ड्यूटी करना है, 45 मिनट पहले ऑन ड्यूटी करना है और आपको सेट जाना है। अब मैं अभी सेट में खड़ा हूँ, ये टाटा का सेट है, ये देखिए ये टाटा का सेट है, सारा पावर सब लगा हुआ है, ये पावर सब है, ठीक है। इधर ये वाइट वाला जो दिख रहा है ये WG7 है और ये WP4 है, कोचिंग में ये सब यूज होता है ये लोग को खासकर। और मेरा जो है वो गुड्स के लिए है, तो गुड्स में नॉर्मली जो होता है इसको भी यूज करते हैं, जब लोको ना हो तो इसको भी यूज करते ही हैं, G7 और WP7 और WP4। मेरा जो लोको है ये इधर से दिखेगा नहीं, थोड़ा सा ब्लैक होगा, इस लोको से उधर वो जो रेड कलर का लाइट जल रहा है ना, उधर है मेरा लोको। उधर मैं जा नहीं रहा हूँ, अंधेरा है, अभी जस्ट चेक वगैरह करके आया हूँ, उधर नहीं जा रहा। तो वही बताना था कि 45 मिनट पहले, इसमें होता है क्या ना आपको टाइम थोड़ा सा इसलिए देता है कि इधर आके आपको पूरा पूरी तरह से अच्छे से चेक करना पड़ता है। होता क्या है, अगर यहाँ से जैसे आप तो ये नया, यहाँ से नया लोको लगेगा, फ्रेश लोको लगेगा मालगाड़ी में या कोई भी ट्रेन में, तो अच्छे से चेक करना है। कुछ भी होता है ना यार, अगर मानते कुछ छूट जाता है या कुछ अबनॉर्मलिटी उसमें पाया जाता है, मेंटेनेंस वाले तो चेक वूक करके देते हैं, आपको भी पूरी अच्छे से चेक करना है। उसमें जा रहा है इक्विपमेंट, सारा इक्विपमेंट जो है फायर एक्स्ट्रा, फिर BPFP पाइप, उड़ेन स्कीड और फ्यूज वगैरह सब जो है आपको चेक करके रखना पड़ता है सब। अगर इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ या लोगों में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप चेक नहीं किए फिर से, तो बम्बू हो जाएगी। और ये मास्टर का तो मैं लोको पायलट का तो जिम्मेवारी है, साथ असिस्टेंट लोको पायलट का भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी पड़ जाता है इस ड्यूटी में, क्योंकि आपको एक तो जैसे जो कूलिंग गाड़ी रहता है उसमें ऑलरेडी चेक किए हुए रहते हैं लोग, तो थोड़ा सा भरोसा रहता है, हाँ ठीक है वो रनिंग गाड़ी का ही आया है। लेकिन ऐसे जस्ट फ्रेश लोको लगेगा, तो फ्रेश लोको लगेगा तो उसमें अच्छे से चेक करना पड़ता है, और इसीलिए पहले से आया। तो आज बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है यार, एक तो लॉबी में साइन ऑन करो, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ चार्ज लो, चार्ज लेने के बाद आपका सारा अच्छा से चेक करो, उतरना चढ़ना बजा हो जाता है, ठीक है। पार्ट ऑफ ड्यूटी है सब, नौकरी का एक हिस्सा है भी, और यही तो है, इसी के लिए तो रेलवे हम लोग को पैसा देता है, तो टेंशन ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये हुआ मेरा ड्यूटी का, आज का ड्यूटी का जो मैं जा रहा हूँ उसके बारे में बताया हूँ। और कुछ भाई लोग का एक डिमांड है, उसको मैं कोशिश करूँगा पूरा करने का, कि ड्यूटी का ब्लॉग बनाने का। तो ड्यूटी ब्लॉग तो एक्चुअली हम लोग को मोबाइल अलाउ रहता नहीं है, जिससे ऑनलाइन में जब ड्यूटी ऑन करता हूँ उसके लाइन में अलाउ रहता नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा जितना हो सके बना सकूँ ड्यूटी का ब्लॉग। ड्यूटी किस तरह से होता है, क्या क्या करना पड़ता है, और एक ड्यूटी का रात का दिन का किस तरह का ड्यूटी होता है, तो इस पर मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा। अभी के लिए यही है, और भाई को प्यार दीजिए, और जिस तरह के आप लोग वीडियो का डिमांड करते हैं उसमें कमेंट भी कीजिए, जब देखना चाहते हैं आपको कुछ चाहिए, देखना पसंद करेंगे भी डालिए, लिखिए और कुछ सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर बनाऊँगा वीडियो और अच्छे से। बस मेरा मोटो है आप लोगों को बताना रेलवे से, खासकर लोको पायलट से, क्योंकि मैं लोको पायलट में हूँ, तो कोशिश करूँगा कि लोको पायलट से रिलेटेड जो आप लोग जानकारी चाहते हैं, आप लोग जो आना चाहते हैं और जो नहीं आना चाहते हैं, दूसरे भी हो उनको ना इंटरेस्ट कि लोको पायलट का ड्यूटी कैसा होता है, अगर जानना हो तो उसको कमेंट करें, मैं उस पर बनाऊँगा वीडियो। तब तक के लिए भाई को प्यार दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।